फैमिली, मेरे महके वालों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआओं से। मैं हूँ फायज़ा बलोच और अभी जो है वो रात का खाना बन रहा है, यानी कि मैं रात का खाना बना रही हूँ और खाने में बना रही हूँ बकरे की कलेजी। अच्छा चलिए मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने कूट के रखा है अदरक लहसुन और एक मिर्च जो है वो मैंने कूटी है और मैंने गरम मसाला कूटा है। इसमें काली मिर्च और ज़ीरा और छोटी वाली जो मिर्च आती है लौंगी मिर्च कहते हैं, जो रेड वाली, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये मैंने इसके साथ यानी कि पीस के रख दी है यहाँ पर। इन काली मिर्च का जायका मुझे बहुत मज़े का लगता है। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद कलेजी डाली, कलेजी को मैंने अच्छे से भूना है। अब मैंने इसको अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट होता है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से भूनूंगी जब इसमें से स्मेल होती है ना कलेजी की वो अच्छे से निकल जाएगी, फिर इसमें डाल दूँगी मसाला। ये देखिए मैंने मसाले में हल्दी, सालन मसाला और क्या कहते हैं ये जो मैंने पीस के रखा था गरम मसाला वो मैंने डाला है, नमक में डाला। इसको भी मसाले को भी अच्छे से भूनूंगी ताकि ये मसाला अपना तेल, घी, ऑयल क्या कहते हैं ये छोड़ जाए। ये देखिए छोड़ दिया, इसमें डाल दिया है मैंने पानी। मुझे लगा थोड़ा सा पानी कम है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया ताकि कलेजी अच्छे से जो है वो बन जाए, पक जाए। मुझे बहुत ज़ोर सी जो है वो प्यास लगी है, मैंने कहा पानी लूँ। गर्मियों में 8 से 12 गिलास पानी लाजमी पीने हैं, मुझसे बहुत कम ही मैं पानी पीती हूँ जब खाने का टाइम होता है तब, या मैं किचन में आती हूँ मुझे मेरा जब गला खुश्क होता तब मैं पानी पीती हूँ। अभी मैं पानी पी रही हूँ, मेरा गला जो है खुश्क हो गया है। बैठ के पानी पीना चाहिए, 3 सांसों में पानी पीना चाहिए, पानी को देख के पीना चाहिए, ये सुन्नत है। अच्छा जाके सुकून का सांस मिला। मैंने 3 टमाटर लिए हैं दरमियानी वाली और एक मिर्च जो है वो साबित डालूंगी और 1 चम्मच जो है टोमेटो पेस्ट का डालूंगी। तो चलती हूँ, पहले जो है टमाटर को अच्छे से धोकर इसको काटते हैं। पानी आजकल नल में इतना गर्म आ रहा है, रात के टाइम पे फिर भी थोड़ा सा ठीक है और जब दोपहर का टाइम होता है ना तो हाथ जलते हैं मेरे तो। अब इसको काटते हैं टमाटर को। लो जी टमाटर भी काट लिया और मिर्च को मैंने बीच से काट के इसके पीसेस कर लिए है। अब टमाटर डाल दिया, मैंने देखा कलेजी जो है वो गल चुकी है इसलिए मैंने इसमें जो है टमाटर डाल दिया। अब टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून के इसको छोड़ दूंगी कि टमाटर जो है वो गल जाए। मेरी जो दादी अम्मी है ना वो कलेजी की सालन बहुत ही मज़े की बनाती हैं, बनाती थी। अल्लाह पाक मेरी दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा ये देखें टमाटर जो है वो भून चुके हैं, अब जो है टमाटे पेस्ट का इसमें डाल रही हूँ। अब फिर इसको जो है अच्छे से मिक्स करूँगी और बिल्कुल, और ये जो मसाला मैंने थोड़ा सा शुरू में डालता उसके बाद अब थोड़ा सा आखिर में डाल के इसको थोड़ा सा घुमा के इसको हल्की सी आँच पे यानी कि दम वाली आँच पे रख दूँगी। लगभग मेरी जो है कलेजी की सालन जो है वो बन चुकी है। थोड़ा सा इसमें शोरबा मैंने छोड़ दिया क्योंकि रोटी के साथ खाऊंगी तो थोड़ा सा, सिर्फ कलेजी तो नहीं खाऊंगी ना, थोड़ा सा शोरबा भी होना चाहिए। इसको मैंने रख दिया है दम पे। अब मैंने जो है वज़ू कर लिया है, अब मैंने कहा चले नमाज पढ़ लेते हैं। आजकल मेरी नमाज जो है ना बहुत ज़्यादा कज़ा हो रही है क्योंकि छोटा बच्चा है, रात में नींद पूरी नहीं होती, सुबह नमाज नहीं पढ़ पाती फजर की। बस क्या करूं, अल्लाह पाक से दुआ करूं तो अल्लाह पाक मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे। आप सब ने मेरे लिए दुआ करना है कि अल्लाह पाक मुझे 5 टाइम का जो है नमाजी बना दे, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ ली, तस्बीह थोड़ी सी पढ़ लेते हैं क्योंकि नमाज जब कज़ा होती है ना बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आप सबके लिए दुआ, अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह पाक हिलाल का रोज़गार नसीब करें। नमाज पढ़ ली, अब मैंने कहा बच्चे जो हैं वो मेरी बहन के घर गए हुए हैं, मैंने अपने मियाँ को बोला, मैंने कहा चलें पहले बच्चों को लेके आते हैं क्योंकि बच्चों के बगैर खाना जो है ना वो हलक से नहीं उतरता मेरा। जब तक कि बच्चे मेरे साथ बैठ के खाना ना खाएं ना मुझे सुकून नहीं आता। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। असुर के टाइम पे मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे खेलते खेलते, वो मेरे बच्चे भी उनके साथ चले गए। अब मैं गई हूँ आतिफा भैया कैसा गुजे अंजला शर शर्मा रहो चार नाम क्या है? हाँ ठीक नाम बताई
तेरे ते पास कचारा हाँ कई दोत का अम्मा दोत का आधी का चे फोर है वा माशाल्लाह सक्षम के हो तो कहाँ में लूगा कहाँ हनी मराओ का ना बांधे में लूगा बेशर है वाश ये ताता का ताता बाय बाय। बच्चों को ले लिया दोनों को, अंजला भी यहीं था यसना भी यहीं थी। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। अच्छा आप सब ने मेरा व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ये देखिए मैं घर पहुँच चुकी हूँ, बच्चे आ गए। अब जल्दी से मैं खाना लगा के बच्चों को खाना दूँ, खुद खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो खुद भी खाना खाऊं, बच्चों को भी खाना खिलाऊं, उसके बाद रात के बर्तन धोने के बाद जो है फिर जाके सोऊंगी। नींद आ गई तो सोऊंगी, वरना नहीं बैठे रहूंगी बच्चों के साथ। आजकल रूटीन इतनी चेंज हुई हुई है कि ना रात को तो जब मेरा क्या कहते छोटा सोता है उस वक्त मुझे नींद नहीं आती, जब वो झाँकता है तो मुझे नींद आती है। अब जो है खाना वाना खा लिया, बर्तन धो लिया। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके बताएं, और जो मेरे चैनल पे नहीं हुआ मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आई बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो आप तक पहुँचे। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट भी बहुत सारे अच्छे करना ताकि मेरा पढ़ के मेरा दिल जो है वो खुश हो जाए, और मेरे व्लॉग को जो है आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो है अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कि मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया जाके खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलों को आसान कर दे, अल्लाह पाक जो जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उन सबको जो है हलाल का रोज़गार नसीब करे, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल है घर चलाना। अल्लाह पाक आप सब की रोज़गार में बरकत आ फरमाए, रोज़ी में बरकत आ फरमाए। अल्लाह पाक जो जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला आला नसीब फरमाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने हमसायों का ख्याल रखना, और अपना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पानी जो है वो आपने 8 से 12 ग्लास लाजमी जो है वो दिन में आपने पीने हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अगर 12 ग्लास ना भी पी सकूँ तो 8 से 10 ग्लास तो मैं मुझे पीना ही पीना है। अल्लाह हाफिज़।